देखिए संजीव जी, ये बात ठीक है कि अभी थोड़ी देर पहले लॉ एंड ऑर्डर की, स्पेशली अगर मैं उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात करूं, इन 102 सीट्स में से, तो वहां पर वो कहते हुए नजर आए कि भाई गुंडागर्दी, मतलब वो लॉ एंड ऑर्डर की बेसिकली बात कर रहे थे कि भाई ये तो है। हिमानी कुछ आंकड़ों की बात, ये क्या कहता है? कुछ आंकड़ों की बात कर लेते हैं, तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। 21 राज्यों में 102 सीटों पे आज चुनाव है। इस 102 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 40 सीटें हैं पहले से। 51 सीटें ऐसी हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव नहीं जीता है। यदि 400 पार करना है, मोदी जी जो नारा ले रहे हैं उसके हिसाब से कम से कम 76-77 सीटें चाहिए। चिंता करिए ना, पूरी बात मैं आ रहा हूँ, यही आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सुन तो लीजिए, पूरी बात तो सुन तो लीजिए ना, क्योंकि जिस वोटर, सुनिए ना, और स्थिति क्या है, आपका टारगेट है ना सर, सुनिए, जो आपका टारगेट, मेरी बात तो सुन, हम अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट। और जो कंडीशन ये है वो 40 में से भी 10-15 कम होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये पश्चिमी उत्तर तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ऐड होंगे ये, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐड होंगे, बिहार में ऐड होंगे, कहाँ ऐड होंगे ये कोई तो बताए हमें, ये समझाने का प्रयास हो। तो सीधा केवल हवा हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। ये आपने दो युवाओं वाली बात सुना दी यहाँ पे, जो दो युवा सुना रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात क्या है। आपने यहाँ पे सुना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजाक बन के रह गया है आपका गठबंधन। आप इस चीज को नहीं, दो हंसों की जोड़ी, अब दो युवाओं की जोड़ी बन गई है, वो जो दो हंसों, वो सारे आंकड़े जोड़ी बोल रही है, 4 तारीख को आपको दिख जाएंगे। मैं आके बोल रहा हूं, जो कह रहा हूं तथ्य आंकड़े लेके आइए ना, देखिए देख संजीव, हवा हवाई बातें करने से कुछ नहीं होने जाने को है, और फिर आप हंसों की जोड़ी, आज भी हंसों की जोड़ी मीट मछली मांस की बात कर रही है। अरे देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि बेरोजगारी कितनी खत्म की आपने, कितनी नौकरियां दी उसके बारे में बात कर लीजिए, कितने आपने स्मार्ट सिटी बसा दिए उसके बारे में बात कर लीजिए। आप इन मुद्दों को जनता के बीच तक पहुंचा पाए, वो सारी इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी के लाख राम मंदिर विकास, ये राष्ट्रवाद। लेकिन ममता जी, पश्चिमी यूपी से जो हवा चल रही है, पिछली बार भी कहा था ना अखिलेश यादव जी ने, तो एक क्विक रिएक्शन आपका लेती हूँ, फिर डॉक्टर खान का रुख करूंगी। वो ये कह रहे हैं कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक जाएगी। मैं वही बोल रही हूँ कि पश्चिमी यूपी ये दो हंसों की जोड़ी के लिए गाजियाबाद से गाजीपुर है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। मतलब इनका जो उत्तर प्रदेश का नक्शा है हिमानी जी, दो युवाओं का, डॉक्टर खान, उसमें पश्चिमी यूपी में केवल दो ही जगह, गाजीपुर और गाजियाबाद। अब परिभाषा तो ये दोनों युवा ही बता सकते। लेकिन इस बार ममता जी, समीकरण अलग है 2019 से, अगर इस बार देखें तो। बाल्यान जैसे नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमें आरएलडी का साथ है इसलिए हम निश्चिंत है। कमाल की बात कर रहे हैं, देखिए सुनिए, अपने ऊपर भरोसा नहीं है उत्तर प्रदेश की, सच दिखाता है। आप इसके बारे में बात नहीं कर रहे, डॉक्टर खान से इस पर काम कर, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए सपा भी और इंडिया अलायंस वहाँ पे वाईएम की बात करता है, वाईएम समीकरण। मैं कह रही हूँ वाईएम समीकरण समय एनडीए और भाजपा के पास है, मोदी एंड योगी समीकरण। एक बार डॉक्टर खान से इस पर काउंटर ले लेती हूँ। आपने दो हंसों के जोड़ी कहा आपने, और आज दो शहजादों की शूटिंग हो रही है, पीएम ने भी कहा उधर अमरोहा से। डॉक्टर खान, वो लॉन्ग ड्राइव है क्या गाजियाबाद टू गाजीपुर जो चल रही है, कि चलिए भैया थोड़ी सी हवा देख कर आएंगे किस तरह से चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या कर रही है ये जोड़ी? इवानी जी मैं बता रहा हूँ, वो एक्सप्रेस नहीं बुलेट ट्रेन पे है। एक बात और जान ले, अभी दो युवाओं की बात जो चल रही है, वो कह रहे मोदी जी नहीं तो डिलाएंगे वो। अरे मोदी जी नहीं चलाया बुलेट ट्रेन, उसी पे बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने चलाया उसी पे बैठे हैं। दो युवाओं की जोड़ी की जो फिल्म है ये आपने भी देखा, ये सुपर हिट है। लेकिन जो मोदी जी ने आज फिल्म स्टार्ट की थी वो तो फ्लॉप हो गया, वो शो फ्लॉप है। ये बात कहीं ना कहीं घबराहट दे रही है, और जो 400 पार कई दिनों से सुन रहे वो 400 हार जो घबराहट है। आज लगातार मैं सुबह से जितने प्रवक्ता हैं बीजेपी उनको ये नहीं समझ आ रहा है बात क्या करें। मैं थोड़ा सा प्लीज मुझे मौका दे, अभी पश्चिम की बात हो रही थी मैम, पश्चिम की बात प्लीज आप ये बताओ ना, 14 के चुनाव में आपके कितनी सीट आई, किस तरह विरोध किया है, 17 के चुनाव में कितनी सीट आई, 19 में कितनी आई, 22 में कितनी आई, देश में किसानों का विरोध, आप देखिए किस तरह बीजेपी पर लोग प्रहार कर रहे हैं। ये जनता, लेकिन ये एजेंडा, ये बातें तो आप 2018 से बोल रहे हो भाई साहब, आपकी ये बातें बोलने के बावजूद हर चुनाव, लेकिन चारू जी, लेकिन चारू जी 2019 से अलग समीकरण है इस बार। डॉक्टर खान एक सेकंड, डॉक्टर खान आप ही की बात को आगे बढ़ा रही हूँ डॉक्टर खान, चारू जी, लेकिन 2019 से इस बार समीकरण अलग है, और सपा बसपा ने जो ताना बाना बुना हुआ है, तो 6 साल से बोल रहे हैं, नहीं, लेकिन सपा बसपा ने जो ताना बाना बुना हुआ है वो चुनौती दे तो रहा है कहीं कि नहीं?
ये हमसे सवाल है? नहीं नहीं, ये चारू जी से, चारू जी से आ रही हूँ डॉक्टर खान, आपका वापस रुक करूंगी, एक बार चारू जी से फिर काउंटर रिएक्शन लूंगी आपसे। हिमानी जी फिर से प्लीज। 2019 से अगर बात करें तो इस बार समीकरण कुछ अलग है, बदला हुआ है, क्या हालात हाँ। इस समीकरण में बदलेंगे क्योंकि सपा बसपा का जो ताना बाना बुना हुआ है। मैं आपको बताती हूँ, हाँ हाँ जी, हालात बिल्कुल बदले हुए हैं और हालात ऐसे बदले हुए हैं कि 2019 की जो स्थिति थी 2024 की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए, उससे भी बेहतर है। इसको हम प्रो इनकम्बेंसी कह सकते हैं, क्योंकि बात यह है जब देश की जनता ये देखेगी, अगर एक सरकार अगर डिवोटेड होकर काम करे, सच्चे मन से काम करे, बीच में पैसे खाने वाले सारे बिचौलियों को हटा दिया जाए, डायरेक्ट अकाउंट्स तक पैसा पहुंचे, हर चीज का ख्याल रखा जाए, तो देश की प्रगति कितनी तेजी से हो सकती है। आज हम विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये हम ऐसे ही नहीं बने, हम मेहनत करके बने हैं और मोदी जी का दावा है, उनकी गारंटी है कि आने वाले सालों में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देखिए जो ये समीकरण इन्होंने 2019 में जोड़े थे, खासकर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ये समीकरण उससे बड़े नहीं है। इस बार तो इन्होंने अलायंस का इतना बड़ा सा हवा उड़ाया और बाद में पता चला कि कोई अलायंस है ही नहीं, लेकिन वो क्षत्रिय समाज की नाराजगी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे भारी पड़ सकती है। तो हमने यही था ना कि जी देखिए, हमेशा मैंने किसी ना किसी समाज की नाराजगी के बारे में सुना है, कभी कहते हैं किसान नाराज है लेकिन फार्मा प्रोटेस्ट के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, कभी हाँ। कहते हैं जाट नाराज है, डॉक्टर खान जीत के तो भारतीय जनता पार्टी लाई है। डॉक्टर खान कैसे हो जाता है ऐसा, बहुत ही आपका गणित गड़बड़ा जाता है। जो 1+1=2 की राजनीति करते हैं, दुनिया नहीं चलती है सर, दुनिया 1+1=2 से नहीं चलती है, समीकरण आपका गड़बड़ाया हुआ है डॉक्टर खान। देखिए हिमानी जी, एक बात आपको बता दूं ईमानदारी से, 4 जून को मेरे ख्याल से मैं फिर अरे भाई आपका टर्म खत्म हो गया, मुझे मौका दे। अभी MY समीकरण की बात कर रही थी ना, MY अगर वाकई में MY होता मोदी योगी, सुनिए ना, अरे भाई सुनिए ना, बोल रही हूँ दिल जीतना, अरे भाई आप बोलने नहीं दे रहे, मुसीबत दिक्कत कर रही है। ठीक है, एक एक करके फिर स्टूडियो बेस पे। डॉक्टर खान कंप्लीट कर लीजिए। हाँ देखिए, मोदी योगी नहीं है, MY नहीं है, माई नहीं है, आई है, आई माने तानाशाही। जिस तरह तानाशाही की बात हो रही है, केवल दो लोग इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता समझ रही है, इस तानाशाह सरकार को खत्म करना है, पहली बात। एक बात आप स्पष्ट समझ लीजिए, दूसरी बात आप नाराजगी की बात कर रही हैं, कौन नाराज नहीं है? आज नौजवान देखिए सड़कों पर निकल करके किस तरह उसने विरोध किया है, उसकी बात की गई, क्या उसके वायदे पूरे किए गए? नहीं। किसानों के ऊपर पानी बौछार, कीट कांटे लगाए गए, तमाम किसान शहीद हो गए, क्या सही किसानों की बात की गई? नहीं। देखिए क्षत्रियों किस तरह अवहेलना की गई, ठीक है, वो सवाल मैंने पूछा, छोटा छोटा रिएक्शन रखते ताकि सभी का पॉइंट आ जाए, बड़े भाई, ठीक है, क्विक क्विक, बड़े भाई, बड़े भाई, चंद मोहन जी, बड़े भाई, आपने अभी कुछ बोला था ना कि मैं वाला समीकरण है, MY नहीं, आई वाला समीकरण, तो मैंने पिछली बार भी बोला था आपको, फिर से याद दिला देती हूँ, समाजवादी पार्टी का आई मी माई सेल्फ समीकरण है, मैं है, मैं और मैं, और ये कौन बोल रहे हैं, लाल टोपी पहन करके युवा नेता अखिलेश यादव जी, आई मी माई सेल्फ, वो उनके ऊपर वो आपको भी नहीं देखते हैं, तो आप पहले उसकी चिंता कर लीजिए। अच्छा दूसरी बात मैं आपको बोल रही हूँ, सुनिए तो सही, मेरे बड़े भाई पब्लिक क्या कह रही है, सुनो तो सही, आपकी बार 400 पार, क्योंकि विकास हुआ है अपार और जनता कह रही है हमें मोदी जी ही चाहिए प्राइम मिनिस्टर बारम्बार।